भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर गुरुवार को एक ट्विटर पोस्ट से खुश नहीं थे, जहां एमएस धोनी ने उस छक्के को दर्शाया था जिसके बाद टीम इंडिया 2011 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। भारतीय प्रशंसकों के लिए 2 अप्रैल 2011 यादगार तारीख रही, क्योंकि इस दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना दूसरा एक दिवसीय विश्व कप जीता था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में धोनी की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर पूरे देश में जश्न मनाने का मौका दिया था। गुरुवार की सुबह उस याद को याद करते हुए पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किए गए, लेकिन एक विशेष पोस्ट थी जिसको देखकर गौतम गंभीर बौखला गए। उन्होंने फिर बताने की कोशिश की कि वर्ल्ड कप जीतने में पूरे इंडिया का हाथ था, सिर्फ एक छक्के की वजह से टीम इंडिया ने जीत हासिल नहीं की थी। क्रिक इन्फो ने गुरुवार की सुबह धोनी के वर्ल्ड कप फाइनल के छक्के की फोटो पोस्ट कर लिखा, 2011 में आज के दिन वो शॉट जिसने मिलियन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। गंभीर इस तथ्य से प्रभावित नहीं थे कि भारत की विश्व कप जीत के लिए केवल धोनी को हाईलाइट किया गया था। इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए गौतम गंभीर ने लिखा कि वर्ल्ड कप 2011 पूरे भारत, टीम इंडिया और सपोर्ट स्टाफ की वजह से जीता गया था, सिर्फ एक छक्के की वजह से नहीं जीता गया। भारत के सामने खिताबी मुकाबलों में था श्रीलंका, जिसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 274 रनों का स्कोर बनाया था। महिला जयवर्धने ने नाबाद 103 रनों की शानदार पारी खेली, मतलब भारत को अगर 1983 के बाद फिर से चैंपियन बनने के लिए 275 रन बनाने थे, लेकिन ये क्या, सहवाग और सचिन जल्दी आउट हो गए। इसके बाद गौतम गंभीर और धोनी ने मिलकर इस मुकाबले को जिताया था। बड़ी बात यह है कि इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने अब निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर गौतम गंभीर ने अच्छी पारी खेली तो महेंद्र सिंह धोनी ने देश को जीतने और खुशी मनाने का पूरे तरीके से अवसर दिया। यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सफलतम कप्तानों में शुमार रहे और आज उनका नाम अदब से लिया जाता है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।